खाने गए थे, तो पता नहीं किसी का तो बर्थडे था और वहाँ पर खाने के टेबल के बाजू में चॉकलेट रखी थी प्लेट में, तो मैंने एक एक, सब लोग एक एक ले रहे थे, मैंने एक चॉकलेट उठाई और लेकर आकर बैठ गया खाना खाने, और प्लेट के बाजू में रखी थी, मैंने प्यार से स्तुति भी बाजू में बैठी थी, तो मैंने उसकी ओर बढ़ा दी या उसके पापा और मम्मी का मुँह देख रही है मैं लो या नहीं, फिर मैंने कहा लो लो करके, तो उसे पकड़ा, उसने ले लिया प्यार से। फिर मैंने कुछ देर के बाद मैं एनी आई बाजू में, तो एनी के हाथ में 3 चॉकलेट थी, और वो आके बोली कि विपुल अंकल आपके बाजू में मैं आपके आज बैठूंगी करके, मैं कहा हाँ ठीक है, तो आके बाजू में बैठी और फिर बोले आपको चॉकलेट नहीं मिला, मैं बोला आप खाओ मैं बाद में ले लूँगा फिर से जाकर ट्रे से, तो उसने कहा कि नहीं, तो उसने एक चॉकलेट अपने हाथ से निकाल कर मेरे प्लेट में ज़बरदस्ती रख ली। मैंने कहा कि नहीं आप खाओ मैं बाद में जाकर ट्रे में अभी भी बची है मैं ले लूँगा, वो बोली नहीं आपको लेना पड़ेगा, मैंने कहा चलो ठीक है एक। फिर खाना खाते खाते थोड़ी देर देखा उसने एक और चॉकलेट प्लेट ऐसे बेंच पर रखी और हाथ से धीरे धीरे मेरे प्लेट की ओर खसकाने शुरू की दूसरी चॉकलेट भी, तो मैंने कहा कि नहीं आनी नहीं तो मैं वापस वो पहली वाली भी दे दूंगा, ये आपको ही लेनी पड़ेगी रखनी पड़ेगी। तो मैंने देखा कि वो बच्ची है और हम सब जानते हैं कि बच्चों को चॉकलेट कितना पसंद होता है, उन्हें 3 नहीं उन्हें 30 भी मिल जाएगा तो कम लगता है, लेकिन उसमें से वो एक तो मुझे दिया और दूसरा भी मेरे प्लेट की ओर खसका रही है। तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने उनके माता पिता को कितना मतलब ज्ञान और बुद्धि दिया है कि उस बच्चे को अब तक जो इतनी कम उम्र में बड़ी है वह किसी के प्लेट में चॉकलेट नहीं देखकर अपने हाथ से शेयर करने का मन उसके पास है। तो मैंने ब्रदर विजय से भी यही घटना शेयर की, तो कहा कि ब्रदर आप और ज़्यादा परमेश्वर से सहायता मांगे कि आपको पवित्र आत्मा दें कि इस बच्चे को दोनों बेटियों को आपको परमेश्वर के भय में बढ़ाने की शक्ति दे आप दोनों माता पिताओं को। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण और मैं खुद चौंक गया कि इतनी छोटी बच्ची में जो कि बच्चों को चॉकलेट पसंद है वो 2 चॉकलेट अपने हाथ से देने को तैयार हो गई और अपने लिए 1 रखने को तैयार थी। तो हम इन छोटे बच्चों से सच में बहुत कुछ सीख सकते हैं। I wanted to share this something more on D.L. Moody when we heard today about D.L. Moody. तो जैसे हमने D.L. Moody के विषय में सुना, मैं और भी उसकी कुछ घटनाएं बांटना चाहता हूं। Yes, recently I was listening about something about D.L. Moody. तो कुछ दिन पहले ही मैं ये बातें सुन रहा था D.L. Moody के विषय में। See, D.L. Moody would follow in the footsteps of Charles Finney. तो D.L. Moody Charles Finney कि उसके नक्शे कदम पर चल रहे थे। Charles Finney was a great preacher just before D.L. Moody. तो Charles Finney एक अच्छा प्रचारक थे D.L. Moody के समान। He would scare the hell out of people and people would repent. He would preach hell, judgment and that's why people would repent. वो न्याय के विषय में और नरक के विषय में ज़्यादा प्रचार करते थे, तो लोगों के भीतर उनका भय आकर वो लोग मन फिराते थे। While D.L. Moody was working with his uncle in his shoe shop. तो D.L. Moody जैसे उनके अंकल के साथ एक shoe shop में काम कर रहे थे। And he had a 5th class education. तो उसकी 5वीं कक्षा के वो पढ़ाई कर रहे थे। एंड ही वाज नॉट गुड ही वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल आल्सो और वो लोगों से अच्छी तरह बात भी नहीं कर पा रहे थे। ही वाज वेरी स्मॉल यंग बॉय और वो बहुत छोटा सा एक साधारण सा बालक था। एज वी हर्ड टुडे वेल एक्सप्लेन्ड बाय ब्रदर मैथ्यू अबाउट हिज कन्वर्जन हाउ दैट संडे स्कूल टीचर और जैसे मैथ्यू ब्रदर ने भी बांटा किस तरह से उनका मन फिराव हुआ था उस संडे स्कूल के टीचर के द्वारा। His name is Kimball, right? Kimball. Yeah, Kimball. उनका नाम है Kimball. So this Sunday school teacher was also suffering from a cancer. तो उसकी Sunday school की teacher थी वो cancer से भी पीड़ित थे। And one day he just invited D.L. Moody to his house. तो एक दिन उसने अपने घर में नियोता दिया D.L. Moody को। And this teacher just explained to him the love of God. और जो टीचर ने ऐसे बांटा कि परमेश्वर के प्रेम के प्रति उसे बांटा। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट आई मीन दिस टीचर इज अबाउट टू डाई एंड हियर ही इज शेयरिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड टू D.L. Moody। तो मैं इस विषय में सोच रहा था कि ये व्यक्ति अभी मरने वाला है और वो परमेश्वर के प्रेम के प्रति बांट रहा है D.L. Moody से। एंड दिस बॉय वाज अ मनी मेकिंग मशीन आल्सो ही वुड मेक लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग सेल्स दैट the sail that thing that which diverts the ship or a boat that flap you would sell that sail and make money also D.L. Moody yeah. तो ये D.L. Moody ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारे पैसे भी कमाते थे बहुत पैसा उनके पास आता था। At the age of 19 and 20 he had saved around $7,000 that is big amount
At the age of 19 or 20, 19 या 20 वर्षों में उन्होंने बहुत $7,000 बहुत बड़ी रकम जमा की थी. That was quite a lot of money. But at the same time, he would go to the church, but the church was not receptive of him. वो कलिशिया में भी जाते थे लेकिन कलिशिया उसे ग्रहण नहीं करते थे. He was not able to communicate well, and he, as we heard, he was not able to read the Bible also properly. वो कलिशिया में जाते तो थे लेकिन बाइबल का अध्ययन नहीं कर सकते थे और लोगों से अच्छी तरह बात भी नहीं कर पाते थे. But this Sunday school teacher did have an impact on his life. लेकिन ये संडे स्कूल का जो टीचर था उसके उन्होंने उसके जीवन में एक अच्छी छाप छोड़ दी. And he was a very well, in communicating on the love of God to his generation of his day. और वो व्यक्ति ऐसे थे कि वो उस समय परमेश्वर के प्रेम के प्रति बहुत अच्छा एक उदाहरण देकर लोगों से व्यवहार कर बातचीत करते थे. He would demonstrate the love of God. He would say something like, "Mothers, your children are going to go to hell, but God has love for them. Jesus died for them," and he would encourage on the love of God. वो इस तरह से प्रोत्साहन करते थे हर एक माता को कि तुम्हारे बच्चे अगर तुम अच्छी तरह नहीं पालोगे नरक में जाएंगे, इस तरह से वो बोलकर उनको प्रोत्साहन देते थे. So that's what I was thinking. What an impact that Sunday school teacher had on D.L. Moody's life. तो मैं वही सोच रहा था कितना बड़ा प्रभाव उसने छोड़ा D.L. Moody के भीतर उस व्यक्ति ने. Oh, what a big responsibility for Sunday school teachers who can change at least one soul, can become a blessing to so many. तो कितना बड़ा कर्तव्य बनता है संडे स्कूल टीचर का कि वो एक आत्मा को बदल देती है और वो बहुत सारे आत्माएं परमेश्वर के पास लाते हैं. समय दिया और कुछ जो भी मेरी लाइफ में प्रैक्टिकली जो हुआ वो चीज़ आपसे शेयर कर सकूं. इस दौरान मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगी तो मेरी विनंती है कि आप लोग उसका उत्तर दीजिएगा प्लीज़. हर एक अपना अपना जो भी ओपिनियन है वो बताइएगा. एक्चुअली बीच में मेरे नेबर में एक लड़की का बर्थडे था तो वहाँ पर मैंने एनी को भेजा था. मैंने उसको अकेली भेज दिया था वहाँ पर और उसके बाद हम लोग प्रे करने के लिए बैठ ही रहे थे. उतने में एनी ने वापस से नॉक किया और पूछा, मम्मी वहाँ पर कोको कोला डांस कर रहे सब लोग तो क्या मैं डांस करूँ? तो उस सिनारियो में मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ आप लोग का क्या आप अगर आपका बच्चा आके पूछेंगे कि वहाँ पर फिल्मी गाने पे डांस कर रहे बच्चे तो क्या मैं डांस करूँ, तो आप लोग का क्या आंसर होगा? कितने लोग कहेंगे कि नहीं मना करेंगे? कितने लोग कहेंगे कि डांस मत करो? ओके और कितने लोग कहेंगे कि डांस करो? अच्छा कोई नहीं, ठीक है. तो इस चीज़ में शायद मैं ही गलत हूँ. एक्चुअली जब मेरी बच्ची ने मुझे आकर ये चीज़ पूछा तो मैंने उससे कहा ठीक है बेटा जाके डांस करो. और तुरंत जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया मेरे हस्बैंड ने बोला, सुनंदा ऐसे नहीं करना चाहिए, वो वहाँ पर वही चीज़ सीखेगी, सब लोग डांस करेंगे, तुम भी वही उसको सिखा रही हो करके, वो डांस करेगी, ये करेगी, वो करेगी. मुझे लगा कि लॉर्ड मेरा अंदर से मेरा ये उद्देश्य था कि मेरी बच्ची एटली ऑनेस्टली आके मुझसे पूछी कि मम्मा मैं डांस करूँ. अगर उसका वो चाहती तो वो जाके अकेले में डांस करती तो मुझे पता नहीं चलता था कि वो डांस कर रही है कि नहीं कर रही है. बट अगर मैं अभी उसको स्ट्रिक्टली मना कर दूँ कि नहीं डांस नहीं करना चुपचाप जाके बैठो तो वो नेक्स्ट टाइम मुझसे आके फ्रीली नहीं पूछेगी कि मम्मा मैं डांस करूँ कि नहीं करूँ. वो अकेले में अपना डांस करना फ्रेंड्स के साथ कर सकती है वो. तो मेरे दिल में ये चीज़ आया और मैंने शायद सोचा कि मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट में जाकर मैंने उसको परमिशन दिया. तो मैंने हम लोगों ने बैठ के हम लोगों ने प्रे किया और मैंने जैसे ये प्रे किया, लॉर्ड मुझे पता नहीं मैंने गलत किया कि सही किया, बट हाँ ये चीज़ मैंने गलत किया कि मैंने अपने हस्बैंड ने मुझे मना करने के बाद भी मैंने उनको ना पूछते हुए डायरेक्ट एनी को परमिशन दे दिया. तो ये मैंने गलत किया करके. तो मैंने जस्ट हम दोनों ने मिलकर जस्ट प्रे किया और जब वो मैंने फिर भी उनसे कहा कि अगर फिर भी आपको लगता है मैंने गलत किया तो मैं जाके उसे बुला के लेकर आती हूँ. इन्होंने कहा ठीक है जाने दो. फिर हम लोगों ने जस्ट प्रे करके हम बेडरूम में बैठे. उतने में नेबर जो थी मेरी फ्रेंड वो आई एनी को लेकर. और रियली इट्स अ मिरेकल. अगर हम एक पेरेंट्स अगर हम परमेश्वर का भय मानते हुए कुछ गलती भी करते हैं तो परमेश्वर उसको संभालता है. मम्मी एनी ने आके मुझसे पूछा, मम्मा मैंने इतना सा भी डांस नहीं किया, पता है सब कोको कोला डांस भी कर रहे थे, कोको कोला पी रहे भी थे, मैंने कोको कोला पिया लेकिन कोको कोला डांस नहीं किया. तो मैं उस चीज़ में इतना खुश हो गई. आई रियली थैंक गॉड कि परमेश्वर अपनी गलती को, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हो गलती करते भी है
तो परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालता है, हमसे ज़्यादा एक अर्थली पेरेंट से ज़्यादा अपने स्वर्गीय पिता को अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता है। बट हाँ, हमको एक एज अ पेरेंट्स हमारी जो ड्यूटी बनती है कि हमको उनको हमेशा परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। तो आई रियली थैंक गॉड। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बीच में हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों का थोड़ा सा छोटा सा ऐसा एक्सीडेंट जैसा हो गया था और लेट हो गया हमको, और आके हम लोग ने खाना वाना खाया और जाके बेड पे सो गए। तो मेरे हस्बैंड सो गए और सुजैन भी सो गई। उसके बाद एनी को मैं सुला रही थी और मैं सो रही थी, उतने में एनी उठी और बोली, मम्मा पता है हम मर भी सकते थे आज, लेकिन जीसस ने हमको बचा लिया। तो हम चलो जीसस को थैंक यू बोलते ना, जीसस ने हमको, हमारा एक्सीडेंट हुआ लेकिन जीसस ने हमको बचा लिया। तो आई रियली थैंक गॉड कि उसके दिल में परमेश्वर ऐसे एक बर्डन डालता है कि उस चीज से हमको भी सिखाता है कि विदाउट थैंक्स गिविंग कि परमेश्वर ने तुमको इतने बड़े जोखिम से बचाया है तो तुमको हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। तो उस चीज में मैं उससे एनकरेज हो गई और हम लोगों ने, दोनों ने मिलकर प्रे किया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। प्रेज गॉड। द चिल्ड्रन, हमने बच्चों के विषय में अभी सुना। जब सिस्टर ने हाथ, व्हेन सिस्टर टोल्ड टू रेज द हैंड्स, आई डिडंट रेज माय हैंड्स। तो जब सिस्टर ने अभी कहा कि अपने हाथ उठाओ तो मैंने अपने हाथ नहीं उठाए। Because I was not sure what I will say. क्योंकि मैं सहमत नहीं था मैं क्या अभी बोलूंगा। Even, I think you agree to that. Matthew also is agreeing to that. Matthew brother जैसे हाँ में agree थे। So these are the daily things we face, but God is the one who can give us courage to say yes or no. तो ये हर दिन हमारे जीवन में परिस्थिति से हम गुजरते हो तो परमेश्वर ही हमें सहायता करते हैं कि हम उसके साथ सहमत हो या नहीं। We heard about D.L. Moody. तो हमने डीएल मूडी के विषय में भी सुना। The Sunday school teacher had a tremendous impact on his life. जैसे हमने सुना उसके संडे स्कूल की टीचर ने उसके ऊपर एक अच्छा प्रभाव छोड़ दिया था। I remember in my life also one or two people here and there had tremendous impact on my life. मैं मेरे विषय में भी गवाही देता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक या दो व्यक्ति ने बहुत अद्भुत प्रभाव छोड़े। I was in Rajasthan studying in engineering college. मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था राजस्थान कॉलेज में। I used to smoke and all, you know, I used to do lot of things. मैं सिगरेट पीता था और बहुत भी ऐसे गलत काम करता था। One African young man came and told me, एक अफ्रीकन व्यक्ति आकर मुझसे कहा, you know, Jesus Christ has come not to take your, when you leave cigarette, Jesus Christ is, and when you leave cigarette, तू जब ये सिगरेट को छोड़ेगा, you are not losing life, you are gaining life. तू ये जीवन को छोड़ नहीं रहा है लेकिन जीवन बचा रहा है। Because Christ has not come to take away your life, he has come to give you life in abundance. क्योंकि यीशु मसीह तुझसे जीवन लेने ले, लेकिन तुझे बहुतायत का जीवन देने आया है। That changed my life fully around. और ये बातों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। I used to smoke because I thought so much excitement and happiness because of cigarettes. और मैं इसलिए सिगरेट पीता था, उसमें मैं सोचता था कि कितना आनंद और सुख मिलता है मुझे। This verse made me think. और ये उसके बातें मेरे दिमाग में, मैं चिंतन करने लगा। No, this Christ is not coming to take your life happiness away. तो यीशु मसीह तेरे खुशी और आनंद को लेने के लिए नहीं आया है। Children, if you follow Jesus, he is not going to take your fun away, your happiness away. बच्चों, जब यीशु मसीह के पास आप आते हो तो आपकी आजादी और आपका प्रेम आपसे नहीं छीनेगा। But you won't be able to believe it. He is going to give you more in abundance. या विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि वो आपको बहुतायत से सारे बातें देगा। Many people cannot follow Jesus. They think, you know, when I follow Jesus, my happiness will go, my excitement will go, I will be a gloomy person, you know. He will take all fun out of my life. कुछ लोग यीशु के पास इसलिए नहीं आते, वो सोचते हैं यीशु में आने के बाद मेरी शांति, मेरा आनंद और सुख जो मुझे संसार में रहा है सब कुछ चले जाएगा। But the real fun comes when you accept Christ. लेकिन सबसे ज्यादा आनंद और सुख तब आता है जब आप यीशु को ग्रहण करते हो। After so many years of walking with the God, I can tell this. इतने सारे वर्षों में मैं चलने के बाद ये बातें मैं अब कह सकता हूँ। Okay, now the Sunday school teacher had a lot of impact on D.L. Moody's life. जो सेंटर स्कूल के टीचर ने जैसे डीएल मूडी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा। डोंट एक्सपेक्ट संडे स्कूल टीचर टू हैव द सेम इफेक्ट ऑन योर चिल्ड्रंस लाइफ। तो आप ऐसा मत सोचो कि संडे स्कूल का टीचर आपके बच्चों में भी ऐसा प्रभाव छोड़ पाएंगे। दिस चिल्ड्रन आर ओनली फॉर 20 मिनट्स विद संडे स्कूल टीचर ए वीक। तो हर हफ्ते में सिर्फ 20 मिनट के लिए वो सेंटर स्कूल टीचर के साथ रहते हैं। दैट टू नॉट ऑन ऑल संडेस। और वो भी हर रविवार को नहीं होता। दिस संडे वी आर नॉट हैविंग संडे स्कूल। तो ये सप्ताह में हमारा ऐसा रविवार की सभा नहीं हो पाएगी। डोंट रिले ऑन संडे स्कूल टीचर कंप्लीटली। तो आप उस पर निर्भर मत रहना कि आपको सेंटर स्कूल के टीचर ही उसको सिखाएंगे। योर चिल्ड्रन आर विथ यू द पेरेंट्स। और ये माता पिता के साथ बच्चे ज्यादा समय बिताते हैं। यू आर आंसरेबल टू गॉड, डोंट फॉरगेट दैट। और ये बात को स्मरण रखना कि आप उत्तर दोगे परमेश्वर को। बाइबल स्पीक्स अबाउट स्टुअर्डशिप। और बाइबल ये भी कहता है कि सेवा करने के विषय में। स्टुअर्डशिप, गॉड हैज गिवन सम टैलेंट्स, सम थिंग्स टू पीपल।
लोगों को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान जरूर दिए हैं। When we want to stand in front of him there, we have to give an account of that. और जिस दिन हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहेंगे, उस समय हमें हर एक बात का उत्तर देना होगा। Parents, do you know that you are given account of your children? क्या माता पिता आप इस बात के विषय में जानते हो कि एक दिन आपको परमेश्वर के सम्मुख उत्तर देना होगा? We read about Abraham in Genesis 18. हमने उत्पत्ति के 18वें अध्याय में अब्राहम के विषय में सुना। God chose Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। Because क्योंकि He knew, God knew, क्योंकि परमेश्वर को ये पता था, that he will command his children in the ways of the Lord. क्योंकि वो अपने बच्चों को और अपनी पीढ़ियों को उसके वचनों को मानना सिखाएंगे. Amazing, God knew that one man is going to teach his children in the ways of the Lord. That's why God chose him as a father of all nations. ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ये बात और विषय को जानते थे कि ये अब्राहम अपने पीढ़ियों को उसका वचन और भय मानना सिखाएंगे. God chose him as a father because he knew that he is the real father. He is going to command his children. परमेश्वर को पता था कि परमेश्वर ने उसे चुना एक पिता के समान, क्योंकि उसे पता था कि ये अपने बालकों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाएंगे परमेश्वर के भय में. There is another father called Eli, Eli, you know. Eli नाम का एक और एक पिता था. You know, it says in 1 Samuel, he was not a good father. पहले शमूएल में ऐसा लिखा था कि वो अच्छे पिता नहीं थे. How many sons he had? उसको कितने बच्चे थे? Two sons, right? दो बच्चे. Both of them were number one weirds. और ये दोनों ही बालक बहुत ही बुरे थे. God had to kill them so bad. और परमेश्वर को उन्हें दोनों को मार देना पड़ा. 1 Samuel 3:13 and 14 we'll read. Yeah. For I told him that I would judge his family. Okay, it says. 1 Samuel 3:13, for I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons blasphemed God and he failed to restrain them. That is 1 Samuel 3:13. क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका. 14th verse, therefore I swore to the house of Eli, the guilt of Eli's house will never Atoned by any sacrifice, such a serious thing. इस कारण मैंने एली के घराने के विषय यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से. And this his children and he all died. और इस कारण उसके दोनों बच्चे और वो मर चुके थे. And you know, see, the another young boy called Samuel was growing up in the midst of the same house. और उसी के बीच में समुएल नाम का एक छोटा सा बालक उसी परिवार के बीच में पला और बड़ा हुआ. His mother prayed for him and he got that son. उसकी माता ने उसके लिए बहुत प्रार्थना और विनती की और उसने उस पुत्र को पाया. He prayed to God and cried to God and got a son. और रो रो कर उसने विनती कर परमेश्वर से प्रार्थना कर उस बालक को पाया. And he said, I will give this son to God. और तब उसने कहा, ये संतान मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगी. And this son grew up to be a prophet of Israel. और ये बालक परमेश्वर का एक अच्छा नबी बनकर बड़ा हो गया. So the contrast we can see, children trained up in the proper way and children not trained up in the. तो यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण है, हम देख सकते हैं किस तरह से एक परमेश्वर का भय में बड़ा हुआ और दूसरे लोग एक पाप में जीने वाले के बच्चे के समान. I will tell something to the parents only and children may keep your ears closed for some time. और मैं कुछ बातें सिर्फ माता पिता को कहूंगा, बच्चे सारे अपने कान बंद करें. No, when I say close, you may not close. You know, you'll be very eager to see, hear what I am going to say. अच्छा, मैं बोलूंगा आप बंद करो तो आप बंद नहीं करोगे और ज्यादा कान लगा कर सुनोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. I think 2-3 Sundays back, Vijay brother gave a gift to some of the parents. और कुछ सप्ते पहले विजय भाई ने कुछ बहनों को कुछ गिफ्ट दिया है. So it says in Proverbs 23:13, Do not withhold discipline from your child. If you punish him with a rod, he will not die. If you punish your children with a rod, he will not die. God is promising that. Don't worry, he will not die. लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा. Many grandparents feel that you know if you beat your children with a rod, they will die. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप बच्चों को लकड़ी से मार. Especially grandparents believe that. हमारे नानी और हमारे दादा दादी ऐसे सोचते हैं कि लकड़ी से मारेंगे तो मर जाएंगे. So let them also read this, you know, tell that grandparents not to interfere. तो हमारे grandfather जो है वो लोग इस बीच में नहीं आए, वो भी ये बात वचन सुन पाए. See, another very important thing about children is Proverbs 22:15. और एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों के विषय में. It's very interesting thing, you know, about children. The folly is bound up in the heart of a child. Foolishness is there in the heart of a child. लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंदी रहती है पर अनु
how many of you believe that our children are foolish? तो कितने लोग ये बात पे विश्वास करते कि हमारे बालक ऐसे मूर्ख बन जाते हैं? I strongly believe my children are foolish. मैं बहुत ये निर्णय के साथ कह सकता हूँ, सहमत होकर, कि मेरे बालक मूर्ख हुए. Because they have done so many foolishness without even knowing that it is foolishness. और वो ऐसे कितने सारे काम करते हैं जो जानते भी नहीं और ये कि मूर्खता के काम करते हैं. So parents have to interfere. तो वहां पर माता पिता को आना जरूरी है. I'll tell you something more. और मैं और कुछ बातें कहूंगा. See, the youth meetings are good, youth meetings. जो यूथ की सभा होती है वो अच्छी है. But it has got a danger in it. लेकिन उसमें एक danger भी है. If you bring the, leave the youth together or children together, सर आपने सब बच्चों को एक साथ छोड़ दिया है. You know, they are all foolish and the foolishness will multiply, you know, within no time. और वहां पर ऐसी मूर्खता की अगर वो बातें करते हैं तो ये मूर्खता बढ़ता ही जाएगा. Ideally, there should be some seniors with them. लेकिन हमें उनके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो उनको ऊपर ध्यान रखे. Children don't like it. Children and youth will not like it. What I said. लेकिन मैंने जो बातें कही वो बच्चों को पसंद नहीं आएगा. Because I remember, you know, I was standing in a meeting. तो मैं एक बात याद आ रही है जब मैं सभा में खड़ा था. I am not very old, but my hair is white. मैं बूढ़ा नहीं हूँ लेकिन मेरे बाल सफेद हैं. But there are very old people whose hair is not white, so they don't, people, children don't look at them as, you know, elders. लेकिन वो कुछ लोग ऐसे बूढ़े थे लेकिन उनके बाल सफेद नहीं थे, इसके लिए बच्चे उनको बुजुर्ग करके नहीं देख रहे. I was standing among a group of, just behind a group of girls. तो मैं बहुत लड़कियों के पीछे खड़ा था. They were talking. वो लोग आपस में बातें कर रहे थे. I understood their language, their talk, everything. They were not knowing that I am watching it. तो वो लोग जो बातें कर रहे थे मैं अच्छी तरह समझ पा रहा था लेकिन वो नहीं जान पाए कि मैं उनके पीछे सुन रहा हूँ. But I was listening. लेकिन मैं उनकी सुन रहा था. The moment I turned and showed myself to them, और जब मैं पलट कर उनके सम्मुख आ गया, can you believe the entire conversation changed? और मैंने देखा कि उनके सारे वार्तालाप बदल गए. You see this foolishness, you know, their talks, everything, you know, their language is all cool language, the children. और वो मूर्खता की जो बातें वो आसानी से कर रहे थे, एक दूसरे से हंस रहे थे, वो सब बदल गए मेरे आने से. Youth meetings are good, but youth meetings for a prolonged time is not very good. तो यूथ सभा जो होती है वो अच्छी है लेकिन बहुत समय तक वो चलता रहा वो अच्छी नहीं है. So when they are together, the foolishness multiply. और जब वो साथ इकट्ठे होते हैं तो वहां मूर्खता बढ़ता ही जाता है. That is why God has given a rod in the hands of the fathers. इसके लिए परमेश्वर ने एक छड़ी दिया अपने माता पिता के हाथ में. Next verse, but the rod of discipline will drive it far from them, far from them. परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है. So my eldest daughter today thanked me for all the beating which I gave her long back. तो मेरी बड़ी बेटी आज मुझे धन्यवाद करती है कि जो कुछ भी मैंने छड़ी उस पे उठाया था पिछले दिनों में. So let us take this seriously. तो ये बातों को हम गंभीर रूप से ले. So let us let God, these are the scriptures, but let God give us wisdom and is leading to do this. ये सारे वचन है लेकिन परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और मार्ग दिखाए ये सारे बातों पर चलने. And you know, if there's a stat, brother also said that, you know, actually there's a statistics, you know, there's a statistics done by in America, the statistics done in America. तो जैसे भाई ने बोला कि वहाँ पर एक statistics, एक study, एक 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 अध्ययन कर किया गया है अमेरिका में. Read it out. तो मैं पढ़कर सुनाता हूँ. See, 85% of the children, people come to the Lord before the age of 18. 18 साल के पहले 85% बच्चे आते हैं प्रभु में. Maybe for 18 can be 25 or something, you know, below the age of 25, 85% of the people come to the Lord below the age of 25. 25 साल के बीच में बहुत सारे 85% बच्चे प्रभु में आते हैं. Okay, 25 to 30, only 10% people come to the Lord. तो 25 से लेकर 30 तक, 30 वर्ष के बीच में खाली 10% लोग आते हैं. 30 के बाद, after 30, only 4% people come to the Lord. और 30 वर्ष के बाद सिर्फ 4% लोग प्रभु में आते हैं. Can you believe, when as you grow old, your chances of coming to God is very less. क्या आप ये बात पर विश्वास करते हो जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है आप प्रभु में आने की बात बहुत कम हो जाती है आपके जीवन में. Reason is because you are married, you have decision, big decisions to make, it's difficult for you to change, lot of, you are tied up with lot of things. और ये इस कारण होता है कि आप एक बुजुर्ग हो जाते हो और बहुत सारे चिंताएं और बातों के बीच से आप गुजरते हो तो ये बात आपको विश्वास करना असंभव हो जाता है. So below the age of 18 you have nothing, you have nothing to worry, you are free. 18 साल के पहले आपको कोई बात की चिंता नहीं करनी होती, आप आजादी महसूस करते हो. Children below the 18, they always want some excitement, something new, some change, you know, they are waiting for something new. और छोटे बालक जैसे होते हैं वो हर एक चीज नया देखना चाहते हैं और नए चीज को अनुभव करना चाहते हैं. That is the time somebody, some evangelist go and tell them about the gospel. और इसी समय होता है कि जब एक सुसमाचार प्रचारक उनको जाकर प्रभु का संदेश सुनाता है. They immediately grab it and they want to try it something new. और जैसा वो सुनते हैं वो तुरंत ग्रहण करते हैं और वो नए चीज को अनुभव करना चाहते हैं. What God
God will catch hold of their decisions. और तब परमेश्वर ये सारे बातों के ऊपर अधिकार लेकर उन्हें चलाते हैं. All of you sitting here can testify to that. You all came to the Lord at a very young age. तो आप यहाँ पर बैठे हुए बहुत से लोग आप जान सकोगे कि आप बहुत कम उम्र में प्रभु यीशु के पास आए. I thank God for the people who met me when I was very young. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं जब जवान था तब जो परमेश्वर के दास मुझे मिले थे. Especially that African from Zambia. और वो जाम्पिया से जो अफ्रीकन था उसने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव John 10:10 so powerfully to me which changed my life. उसने यूहन्ना 10:10 इस तरह से मेरे जीवन में बोलकर प्रभाव डाला, उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया. He was junior to me in the college. वो मुझसे जूनियर था कॉलेज में. Later on, 3 years back, he baptized me. और 3 साल के बाद उसने मुझे बपतिस्मा भी दिया. So he is the person who baptized me. I took baptism from this African boy. तो ये अफ्रीकन व्यक्ति ने मुझे उन दिनों में बपतिस्मा दिया था. He was my junior. वो जो मेरा जूनियर व्यक्ति था. I learned to sin in engineering college. I came to the Lord also there only, same place. और उसी स्थान पर मैंने प्रभु को जाना और उसकी महिमा करता रहा. I praise God for all the children's ministry and youth ministry in this country. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो भी बच्चों की और जवानों की सभा होती है पूरे दुनिया में. See, we should pray for this nation very specifically. तो हम देशों के लिए प्रार्थना करते रहे विषय को लेकर. You know it or don't, if you don't, you know it or not. आप जानते हो या न जानते हो. People are trying to influence the children, polarize the mind of the youth. सारे लोग लोग बच्चों के मन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालना चाहते हैं. Using WhatsApp groups. कुछ WhatsApp group के द्वारा. Because WhatsApp groups are maximum seen by the youth. क्योंकि ये जवान ज्यादातर WhatsApp को देखते रहते हैं. So their mind is getting polarized and changed towards some fundamental views. और वो सारे बातों को देखकर उनका दिमाग भी भटक जाता है. So the Church of God has got authority over all these powers. इसके लिए कलीसिया को इतना ताकत है कि परमेश्वर के कार्यों में हाथ बटाए. Don't think that any government groups or anybody can influence the children of this nation by WhatsApp group. आप ये मत सोचना कि गवर्नमेंट या सरकारी या कोई भी और ताकत बच्चों को अलग तरह से भटका Because पाएंगे. God's power is in the church. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य कलीसिया में है. Gates of the hell will not prevail against it. और नरक के फाटक उस पर कभी प्रबल ना हो पाएंगे. So we are all one church and we are united in one spirit. हम सब एक ही कलीसिया है और एक ही आत्मा के द्वारा चलाते हैं. We must pray for our children and the children of all this nation that they will one day see God, meet with the living God. हम अपने बच्चों के लिए और सारे देश के बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि एक दिन वो परमेश्वर को देखेंगे. The Bible says in Psalms that भजन संहिता में ऐसा लिखा है. Only those nations are blessed whose God is the Lord. वही बच्चे आशीषित होंगे जिसका परमेश्वर प्रभु उसका परमेश्वर है. Only those nations are blessed whose God is the Lord. वो सारे देश आशीषित होंगे जिसका प्रभु परमेश्वर है. Because God has given authority in the church. As a church, we will unite in and pray that the God is the Lord of India. क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार कलीसिया को दिया और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर इस भारत देश का परमेश्वर है. No powers in this nation will influence the minds of youth in this country. कोई भी सामर्थ्य या ताकत बच्चों जवानों को भटका नहीं पाएंगी.